أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue our journey towards financial assets. और आज जो है हम जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका फाइनेंशियल एसेट्स है जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो अकाउंट रिसीवेबल is like when you are selling goods and services on credit, ठीक है। आप जब goods and services credit पे बेचते हैं और merchandising company जो है वो mostly क्रेडिट पे सेल करती हैं, तो क्रेडिट पे सेल करने के बाद उनके जब वो क्रेडिट पे सेल करती हैं तो उनके अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, ठीक है। और हमने लास्ट जो है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी देखा था, तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो था हमारे पास, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल जो था हमारे पास दैट वाज जब हम लोग एक प्रोसेस शुरू करते हैं और उस प्रोसेस में वी यूज कैश और कैश को कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्रीज में, मतलब वी परचेज इन्वेंट्रीज, ठीक है। और वो इन्वेंट्रीज जो है वो कन्वर्ट होती हैं वापस कैश में विद कैश सेल्स, और मोस्टली मर्चेंडाइजिंग जो कंपनीज हैं वो क्रेडिट सेल्स करती हैं, तो ये इन्वेंट्रीज कन्वर्ट होती हैं अकाउंट रिसीवेबल में, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो वापस कन्वर्ट होता है कैश में। तो ये जो है ये जो सारा साइकिल चलता है, ठीक है, कैश से शुरू होता है और कैश पे ख़त्म होता है, दिस इज़ योर ऑपरेटिंग साइकिल। और ये अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने तक का सफर जो है ये रहता है। अब अकाउंट रिसीवेबल जब हम सेल करते हैं क्रेडिट पर, ठीक है, so what we are doing, we are creating account receivable and there is a risk here. और risk क्या है कि ये जो account receivable हैं जो हमने customer को sale किया है, that customer may not return your money, ठीक है, और company को पैसे ना वापस मिले, तो वो account receivable किस में convert हो जाते हैं आपके uncollectible अकाउंट्स में, ठीक है। मतलब ये आपके पास एक एसेट होता है और जब ये एसेट, मतलब ये कस्टमर ने ये एसेट आपका कैश में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, कैश में मतलब उसने कैश आपको वापस नहीं किया, तो ये एसेट जो है ये कैश में कन्वर्ट होने के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस मीन्स आपका ये ट्रीट होगा एज एन एक्सपेंस, जो है वो फिर बिजनेस का एक्सपेंस आपका ट्रीट होगा जब ये आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये कैश में कन्वर्ट नहीं होता। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंट रिसीवेबल का कि इसमें से अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कितने हैं हमारे, अनकलेक्टेबल जो हमारे पास जो एक्सपेंस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एस्टिमेट लगाना एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी स्किल को डिफाइन करता है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है वो क्या करती है, सेल करती है अपने इन्वेंट्री, ठीक है, सेल्स करती है ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब क्रेडिट को, क्रेडिट जब सेल करती है तो क्रिएट होता है आपका अकाउंट रिसीवेबल,
ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल को कन्वर्ट होना चाहिए इनटू कैश, मतलब आपको मिलना चाहिए कंपनी को वापस कैश, लेकिन कैश उसको नहीं मिलता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कि कस्टमर जो है जिसका अकाउंट रिसीवेबल है वो कस्टमर क्या होता है इनविटेबली, ये इन इविटेबली बिकम और टर्न आउट टू बी अनकलेक्टेबल। ठीक है, तो क्या होता है वो कस्टमर किसी वजह से आपका पैसे वापस नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाता है आपका अनकलेक्टेबल हो जाता है। तो अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या होता है, दैट इज एसेट। जब वो अनकलेक्टेबल हो जाते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाते हैं, एक्सपेंस। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं आपके बिजनेस के लिए, एक्सपेंस बन जाते हैं। और एक्सपेंस जब बढ़ जाते हैं तो समटाइम ऐसा होता है, हम लोग यहाँ पर, मैं अकाउंटिंग पीरियड को डील करूँगा एज अ एपी। सो इन एपी वन, मतलब अकाउंटिंग पीरियड फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट एपी कर देता हूँ, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हमने क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, हमने क्रेडिट सेल्स की और वो जो क्रेडिट सेल्स हमें रिसीव होनी है वो तो अकाउंट रिसीवेबल है, और अकाउंट रिसीवेबल का जो टर्म है, क्रेडिट टर्म है, वो हमें रिसीव होने हैं सेकंड सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में। सो अकाउंटिंग पीरियड आपका, मैंने आपको बताया था, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी सेमी एनुअली, इट कैन बी क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है। तो क्रेडिट सेल्स जो हैं, हो सकता है दैट इज कि क्रेडिट सेल आपने की है फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, लेट से मैं आपको कह देता हूँ आपने अकाउंटिंग सेल की है जनवरी में, और उस जनवरी की सेल के आपको पैसे रिसीव होने हैं फरवरी में, तो फिर आपने जनवरी के अंदर तो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब जो मैनेजर है, जो अकाउंटिंग मैनेजर है, उसको डर है कि अकाउंट जो क्रेडिट सेल्स की हैं उसमें से कुछ पोर्शन तो है हमें वापस नहीं मिलना। ठीक है, और हमने, और जब वो वापस नहीं मिलना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाना है, अनकलेक्टेबल में कन्वर्ट हो जाना है, और अनकलेक्टेबल आपके क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, सो हमें मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपने जो एक्सपेंसेस हैं विच आर रिलेटेड टू योर रेवेन्यूज ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड, वो आपस में मैच होने चाहिए। ठीक है, जो आप जो क्रेडिट सेल्स फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की हैं उसके जो अकाउंट रिसीवेबल अनकलेक्टेबल होंगे वो दैट शुड बी, लेकिन हमें तो पता चलेगा सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड में कि ये अकाउंट फला फला बंदे से पैसे मिलने हैं और फला बंदे से पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन हमने उसके एक्सपेंसेस, अगर ये एक्सपेंस कन्वर्ट हो रहा है सेकेंड पीरियड से लेकिन सेल हो रही है फर्स्ट पीरियड से, सेल्स रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो फर्स्ट पीरियड में जनरेट हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए। सो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारी क्रेडिट सेल्स होती हैं उसके ऊपर जो मैनेजर है वो क्या कर देता है, एक एस्टिमेट लगा लेता है, एक अंदाजा लगा लेता है, और वो एजुकेटेड एस्टिमेट होता है, एजुकेटेड गैस होता है, वो ये सच नहीं होता कि जी बगैर किसी कैलकुलेशंस के वो कर लें, एक एस्टिमेशन वो लगा देते हैं, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल्स जो है वो अनकलेक्टेड अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता है और उसका एक अलाउंस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, हालांकि अभी पता नहीं है कि कितनी अमाउंट जो है आपकी अनकलेक्टेबल होगी कितनी अनकलेक्टेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो एक एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता है पहले अकाउंटिंग पीरियड में, कि वो कहता है अंदाजे के मुताबिक इतने परसेंट या इतने पैसे हमारे अनकलेक्टेबल हो जाएंगे।
इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं ताकि मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। एक एग्जांपल आपको क्वेश्चन के तौर पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो क्वेश्चन इज हेयर, क्वेश्चन आपके पास ये है कि एट January 31st फेमस टॉयज एक कंपनी है, फेमस टॉयज कंपनी अकाउंट रिसीवेबल आर $2,50,000। ठीक है, ये अकाउंट रिसीवेबल है जनवरी के, ठीक है, January 31st पे उसने ये किया और अकाउंट मैनेजर ने जो जनवरी के अंदर जो सेल हुई उससे अकाउंट रिसीवेबल जो जनरेट हुए दैट इज 2,50,000। जो अकाउंट मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट किया, एस्टिमेट दी एस्टिमेट $10,000, उसने कहा ये 25,000 में से जो 10,000 हैं वो क्या होंगे, will proved to be uncollectible, ठीक है, अनकलेक्टेबल। उसने एक अंदाजा लगाया, एक एस्टिमेट लगाया कि 2,50,000 के अकाउंट रिसीवेबल में से 10,000 के अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएंगे, अनकलेक्टेबल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे अंदाजा ठीक है, अगर अंदाजा लगाया तो आप ऐसा करें अकाउंट रिसीवेबल जो है उसका अकाउंट डेबिट है आपका 2,25,000 से, तो सिंपली क्या करें आप उसको क्रेडिट कर दें 2,25,000 से, सॉरी इसको आप क्रेडिट कर दें अपना 10,000 से, तो सिंपली जो बैलेंस आ जाएगा वो 2,40,000 आ जाएगा। तो हम लोगों को पता लग जाएगा जी कि अगले साल जो ये है जी ये आपके अनकलेक्टेबल है। इसमें ड्रॉबैक्स हैं आपके, एक तो अकाउंट पे अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल इज योर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, ये आपका कंट्रोल अकाउंट है और आपने कंट्रोल अकाउंट में बगैर किसी रीजन के जो है उसकी अमाउंट को माइनस कर दिया 10,000 की। वो क्यों किया है, किसी कस्टमर ने पे भी नहीं किया लेकिन अनकलेक्टेबल अंदाजे के मुताबिक आपने क्रिएट किया है और अंदाजा जो है वो ऐसा इतना कोई ये नहीं है कि किस, अब ये जो कंट्रोल अकाउंट है इसके कुछ सब्सिडरी अकाउंट भी होंगे, ठीक है, सब्सिडरी अकाउंट्स भी होंगे और उन सब्सिडरी अकाउंट्स में हर कस्टमर का नाम लिखा होगा, ठीक है, मतलब हर कस्टमर का जो है वो नाम लिखा होगा और उसके नाम के हिसाब से जो है वो अकाउंट्स जो है वो बने होंगे, ठीक है। अब आपने किस कस्टमर के 10,000 काम किए हैं, किस कस्टमर के साथ आपका अंदाजा है कि वो शायद एक्स वाई जेड वापस ना करे, शायद बीबी वापस ना करे, शायद सीडीए वापस ना करे, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं, आप एक्यूरेटली नहीं बताएंगे कि कौन सा कस्टमर जो है वो आपके पैसे वापस नहीं करेगा। तो कंट्रोल अकाउंट में आपके सब्सिडरी अकाउंट ट्रांसफर होते हैं, कंट्रोल अकाउंट को आप नहीं छेड़ सकते, कंट्रोल अकाउंट में आप इसको माइनस नहीं कर सकते। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप एक सेपरेट अकाउंट ही बनाएंगे और आप वो सेपरेट अकाउंट जो है वो क्या बनाएंगे, आप एक अलाउंस क्रिएट कर देंगे जो ये आपको खर्चा हो रहा है, जो आपके अंदाजे के मुताबिक आपने एक अनकलेक्टेबल अकाउंट क्रिएट किया है, आपने कहा जी ये 10,000 जो है ये अगले महीने हमें अनकलेक्टेबल हो जाएंगे, तो हमारा एक एक्सपेंस हम अपना पास रख लेते हैं अनकलेक्टेबल। और ये एक्सपेंस हम क्यों चार्ज कर रहे हैं, ताकि ये एक अंदाजे के मुताबिक हम मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक रेवेन्यू में से कुछ एक्सपेंस को क्या कर लें, जनवरी में ही माइनस कर लें। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा जनवरी का 10,000 का, ठीक है, और हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे और ना ही हम सब्सिडरी में से किसी में से हम माइनस करेंगे इस अमाउंट को, बल्कि हम एक अलग से एक अलाउंस का अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है, वो कहलाएगा, हम एक अलग से अकाउंट रिसीवेबल को नहीं छेड़ेंगे, हम अकाउंट रिसीवेबल में हम कोई कमी बेशी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एक अलग से अकाउंट बना देंगे और उस अकाउंट को कहेंगे जी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट,
ठीक है, एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर देंगे अलाउंसेस, जिसके अंदर जो हमारे एस्टिमेटेड जो है अनकलेक्टेड अकाउंट है वो चले जाएंगे, हम उसका एक अलाउंस क्रिएट कर देंगे। और जब ये एस्टिमेटेड जब एक्चुअल में क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर हम उसे इस अलाउंस जो हमारा अलाउंस क्रिएटेड है, उस अलाउंस के अंदर हम उसको जो हमारे एक्चुअल में लोग पैसे वापस नहीं करेंगे, वो इस अलाउंस में क्या करते जाएंगे, हम एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये अलाउंस क्रिएट कर देंगे जनवरी में, जिसका हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये एंट्री है, अभी आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास ये है कि जनवरी 31 पे फेमस नॉइज का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो थे 2,50,000। अकाउंट मैनेजर ने एस्टिमेट किया कि इसमें से जो ये 2,50,000 हैं जनवरी के, इसमें से 10,000 जो हैं वो अनकलेक्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10,000 जो हैं ये हम लोग चार्ज कर लेंगे जनवरी के अंदर ही, लेकिन ये एक्चुअल में अनकलेक्टेबल नहीं हुए, प्रूव टू बी अनकलेक्टेबल हो जाएंगे। इनका रिलेशन जनवरी से है, लेकिन ये जनवरी के अंदर अनकलेक्टेबल एक्चुअल में नहीं हुए, हमने एक एस्टिमेट लगा लिया। अब इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, एंट्री हम ये पास करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये 10,000 जो है इसको हमने जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है उसमें से कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, एक्सपेंस में। ये अकाउंट रिसीवेबल थे तो, लेकिन अब ये अनकलेक्टेबल हो गए 10,000 के, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो हम यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे इसकी, देयर विल बी अ डेबिट एंड देयर विल बी अ क्रेडिट। ठीक है, एंट्री जो हमारी पास हो गई, दैट विल बी ऑन जनवरी 31, हमारी एंट्री पास हो गई अनकलेक्टेबल, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा, जनवरी का एक्सपेंस है। ये कितना एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका डेबिट हो जाता है, 10,000 से ये डेबिट होगा। और अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को नहीं करना क्रेडिट, हम क्या कर देंगे एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का, और इसमें हम लोग 10,000 को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे अलाउंसेस क्रिएट हो गए 10,000 के, एक्सपेंस हमारा चार्ज हो गया जनवरी में, उसके अगेंस्ट अलाउंस क्रिएट कर दिया हमने 10,000 का, और हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, वी रिकॉर्ड द पोर्शन। ठीक है, रिकॉर्ड द पोर्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड टू बी अन कलेक्टेबल। ठीक है, एस्टिमेटेड टू बी अन कलेक्टेबल, ये हमारे पास जो है एंट्री पास हो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या आएगा, जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है, हम बैलेंस शीट में गए, जो जनवरी की बैलेंस शीट है, जनवरी, ठीक है, जनवरी में हम लोग जनवरी 31 की जब हमने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, तो बैलेंस शीट की जो आपके पास एसेट साइड है, ठीक है, जो एसेट्स साइड है उसमें आपके पास आ जाता है यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, एक्चुअल में अकाउंट रिसीवेबल थे जनवरी में 2,50,000 डॉलर के। ठीक है, इसमें से लेस होगा अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ठीक है, ये हमने जो अलाउंसेस रखे हैं दैट इज 10,000, तो
तो हमारे पास जो नेट रियलाइज अमाउंट, अब आपको याद है जब हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स की रिकॉर्डिंग की थी, तो हमने कहा था कि जब फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स में हम अकाउंट्स कैश को उसकी फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम उनकी मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और जो एसेट्स हैं उनको हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं, उसकी नेट रियलाइज्ड अमाउंट पे। नाउ दिस इज 2,40,000 इज दी नेट रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, ये आपकी क्या है, नेट रियलाइज्ड वैल्यू है, ये आप एस्टिमेट कर रहे हो कि ये हम कस्टमर से रिसीव करेंगे आफ्टर कटिंग आउट देयर अलाउंसेस, जो हमने उसमें से अलाउंस रख लिया। और जो आपका ये एक, ये तो हो गया क्रेडिट, ये जो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट है, दोबारा से एंट्री की तरफ आऊंगा मैं। नाउ दिस अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, दिस इज योर एक्सपेंस अकाउंट, ये जनवरी के इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, वहां पर ये इनकम समरी अकाउंट में जाके इसे क्लोज कर दिया जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा जनवरी के अंदर, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। जो ये अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट है, दिस इज दी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ये जो रिलेटेड एसेट है उसकी वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तब तक कम करता रहेगा जब इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये कम करता जाएगा, ये किस कौन से एसेट को कम तक करता जाएगा, ये कॉन्ट्रा एसेट है किसका, अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट को ये क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, और इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट रहेगा। ठीक है, क्रेडिट रहेगा, और हम इसके अंदर हर टर्म में क्या करते जाएंगे, एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, तो ये बैलेंस शीट में जाके इफेक्ट करता है, बैलेंस शीट में जाके क्या करता है, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट जो थी, अब आपके पास 2,50,000, उसमें से 10,000 का अलाउंस माइनस किया, तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की नेट रियलाइज वैल्यू जो रह जाएगी वो रह जाएगी आपके पास कितनी, 2,40,000 रुपया आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट रह जाएगी। तो दिस इज ए नेट रियलाइज वैल्यू जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हम ये जो एडजस्ट अलाउंसेस जो हैं, जो अलाउंसेस हैं, इनको हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट इन अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डाउटफुल अकाउंट, डेट भी कह सकते हैं, अकाउंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट जो है मंथली हम इसके अंदर करते होते हैं। ये जो अमाउंट आ रही है आपके पास, दिस इज दी, अगर आप इसको मैं कह लूँ जी एडीए, लेट्स से एडीए हम लोग इसको कह लेते हैं, सो एडीए का जो अकाउंट है दैट विल बी क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, जनवरी 31st, ये क्रेडिट अकाउंट होगा $10,000 से। So, इसके अंदर हम लोग हर महीने, मतलब जनवरी के बाद फरवरी के अंदर हम लोग इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। वो किस बेस पे होगा, उसकी बेसिस ये होंगी कि वो हम लोगों के पास दो फैक्टर्स होंगे, इसके जो अलाउंसेस की जो एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। ठीक है, वो दो फैक्टर्स क्या हैं, वो दो फैक्टर्स हमारे पास हैं जी, वन इज योर एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट। ठीक है, एस्टिमेट के अगले महीने का, फरवरी का क्या एस्टिमेट हो सकता है, वो 12,000 हो, ठीक है, हो सकता है वो 13,000 हो सकता है वो 5,000 हो। ठीक है, जो भी एस्टिमेट होगा, एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, और दूसरा जी जो बैलेंस रह जाता है, लेट से अब जनवरी को, जनवरी में आपने ये रखा 10,000 का बैलेंस, अब इसमें से
एक्चुअल में जो बैड डेट्स होते जाएंगे, जो लोग पैसे वापस नहीं करेंगे, वो इस अलाउंस में एडजस्ट करते जाएंगे, मतलब इस अलाउंस में कमी आती जाएगी। जो भी अकाउंट रिसीवेबल बैड डेट्स होते जाएंगे, वो अकाउंट रिसीवेबल जो हैं, जो भी मतलब अकाउंट रिसीवेबल एक्स वाई जेड ने पैसे वापस नहीं किया आपके, लेट से 1000 उसने वापस नहीं किया, वो एडजस्ट होता जाएगा और ये अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी, 9000 8000 इस तरह जो बैलेंस। अब डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, बैलेंस ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, बैलेंस जो है आपके पास अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ठीक है। सो अलाउंसेस पे भी डिपेंड करता है आपके, और आपके एस्टिमेट पे भी डिपेंड करता है। एस्टिमेट क्या है कि हमने एस्टिमेट लगाया, अब ये बैलेंस रह गया 8000, एस्टिमेट लगाया जी कि फरवरी में जो क्रेडिट सेल्स हुई हैं, अब उसके ऊपर जो हमारे पास अनकलेक्टेबल होना है वो हमारा 12000 होना है। तो हमारे पास जो बैलेंस पड़ा है 8000 पड़ा है, अब इस बैलेंस को हम लेके जाना है कहाँ पर, 12000 में। तो हम मजीद इसके अंदर 4000 को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12000 हो जाएगा अलाउंस एट द एंड ऑफ द फरवरी पीरियड, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो एस्टिमेट ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट जो हम लोग दोबारा से महीने के एंड पे या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे अंदाजा लगाते हैं कि अगले महीने हमारे इस जो अमाउंट हमारी फरवरी की सेल है उसमें से कितने अनकलेक्टेबल अकाउंट्स होंगे, उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा जो हमारे पास बैलेंस इसमें रह जाता है उसको हम देखते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या हमारा जो है सिचुएशन होनी है आगे, ठीक है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो वी लुक एट दी, अब हम जिस तरह पैसेज ऑफ टाइम में आगे जाते जाते हैं, ये तो हमने अंदाजा लगाया था कि 10000 हमें रिसीव नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक्चुअल में हमारा कोई कस्टमर हमें पैसे वापस नहीं करता, तो जब हमारा कस्टमर हमें जो है पैसे वापस नहीं करेगा, वो पहले था हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और जब वो पैसे वापस नहीं करेगा तो वो फिर हमारे लिए एक किस्म का बोझ बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अनकलेक्टेबल बन जाएगा एक्चुअल में, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअलिटी, ठीक है। जब लेट्स से दोबारा से मैं इसको देख लेता हूँ, अमाउंट मेरे पास कुछ ड्यू है, किसी कस्टमर से, और कस्टमर ने वो अमाउंट मेरी वापस नहीं की, तो वो क्या बन गया मेरा, अनकलेक्टेबल बन गया, ठीक है, अनकलेक्टेबल बन गया, और अनकलेक्टेबल इज नो लॉन्गर एन एसेट, ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या है, दैट इज एन एसेट। और जब हमारा कस्टमर से जो हमने अकाउंट रिसीव करना था उसने वो पैसे हमें वापस नहीं किए, तो वो हमारा अब एसेट नहीं रहा। अब जब एसेट नहीं रहा, वी हैव टू राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ दैट कस्टमर, और उसको हमने राइट ऑफ कर देना एज अ बैड डेट और एज अ अनकलेक्टेबल, ठीक है। अनकलेक्टेबल मतलब हमने उसको राइट ऑफ कर देना एज अ अनकलेक्टेबल, और ये कस्टमर हमारा क्या बन जाएगा, जो अनकलेक्टेबल बन गया, then that will convert into expense, actual expense में क्या हो जाएगा, convert हो जाएगा, ठीक है। जब actual में हमारे account receivable हमें receive नहीं होंगे, ठीक है, मतलब मैंने ये तो अभी शुरू वाली example तो मैंने की जनवरी में हमारी credit sales हुई, और credit sales होने के बाद हमने एक अंदाजा लगाया कि जी 250000 की हमारी credit sales हुई हैं, उसमें से 10000 हमको receive नहीं होगा, that will prove to be uncollectible। हमने उस टाइम पे एक रिकॉर्डिंग कर ली जनवरी के एक्सपेंसेस को, क्योंकि हमने मैचिंग प्रिंसिपल करना है, जनवरी के जो सेल है उसके साथ उसके एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, मैच करना है। तो हमने जनवरी में एक एस्टिमेट लगाया कि इसमें से 250000 में से, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अकाउंटिंग मैनेजर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि 250000 में से हमें मोस्ट प्रॉबली $10,000 जो है वो रिसीव, $10,000 रिसीव नहीं होंगे।
ठीक है, तो मैंने $10,000 को लॉस में कंसिडर कर लिया, अनकलेक्टेबल अकाउंट को डेबिट किया, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि उस टाइम पे कोई कस्टमर हमारा एक्चुअल में नहीं हुआ था डाउटफुल, एक्चुअल में अनकलेक्टेबल नहीं हुआ था, हमें नहीं पता कि किस कस्टमर ने, हमने बस एक अंदाजा लगाया था। तो हमने उस सूरत में क्या क्रिएट कर लिया, एक अलाउंस क्रिएट कर लिया कि हमें नहीं पता कि कौन सा अकाउंट रिसीवेबल हमारा डिफॉल्ट की है, तो हम एक अलाउंस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने 10,000 का एक अलाउंस क्रिएट उस सूरत में, उसके क्रेडिट, उसमें क्रेडिट हमने 10,000 की अमाउंट कर दी, और ये अलाउंसेस जो थे ये हमारे क्या बन गए, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बन गए। अब एक्चुअल में फरवरी में, जब फरवरी में गए तो एक्चुअल में एक कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट कर गया। ठीक है, जब वो एक्चुअल में डिफॉल्ट कर गया तो अगेन हम लोग क्वेश्चन आके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फरवरी फरवरी 4 को क्या हुआ हमारे साथ, डिस्काउंट स्टोर हमारा एक कस्टमर था, डिस्काउंट स्टोर एक हमारा कस्टमर था, उसने क्या किया, वो इट वाज़ द कस्टमर कस्टमर ऑफ अ फेमस टॉय, ठीक है, फेमस टॉयज कंपनी, ठीक है, उसका कस्टमर था, और वो क्या हुआ, ये वेंट आउट ऑफ बिजनेस, और उसका जो बिजनेस है वो खत्म हो गया। ठीक है, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। अब फेमस टॉयज को उसने जो पैसे देने थे वो देने थे $4,000। ठीक है, वो जनवरी में उसको सेल की, फेमस टॉयज ने सेल की, क्रेडिट पर उसका अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ, कितने का जी, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ उसका $4,000 का, उसने $4,000 को पे करने थे। जब वो वेंट आउट ऑफ बिजनेस हो गया तो फेमस टॉयज को पता लग गया कि अब वो जो है हमारा पेमेंट जो है नहीं करेगा, तो एक्चुअल में 4,000 आपके क्या हो गए, दैट बिकम अनकलेक्टेबल। ठीक है, वो आपके क्या बन गए, अनकलेक्टेबल। अब आपको ये पता है कि कौन सा कस्टमर है जो आपकी पेमेंट वापस नहीं करेगा, दैट इज डिस्काउंट स्टोर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी जो एंट्री पास होगी फरवरी 4 पे, दैट इज, दैट विल बी योर डेबिट एंड क्रेडिट, फरवरी 4। अब चूंकि हमने जनवरी में एक अलाउंस क्रिएट किया हुआ है, अव्वल में तो वैसे तो अगर यहाँ पर हमने कोई अलाउंस क्रिएट ना किया होता तो हम लोग करते अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट करते, लेकिन हमने अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस ऑलरेडी कंसिडर कर लिया हुआ है जनवरी में, उसको डेबिट कर लिया हुआ है, वो लॉस कंसिडर कर लिया, और उसके अगेंस्ट हमने अलाउंस को, अलाउंस क्रिएट कर लिया। अब वो अलाउंस में कमी आएगी, अलाउंस कम होगा जो जिसका वो क्रेडिट बैलेंस बना हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास अलाउंस का जो बना हुआ था वो 10,000 का बना हुआ था। अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको डेबिट करेंगे 4,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अब हमें पता है कौन सा कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, और उसके अंदर जो सब्सिडरी अकाउंट है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, वो है हमारे पास डिस्काउंट, डिस्काउंट स्टोर। ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट, ये डेबिट है। अब ये अनकलेक्टेबल हमें पता लग गया कौन सा अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हुआ है, तो वो हमारा काम हुआ है डिस्काउंट स्टोर, हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट स्टोर से हमने कोई पैसे नहीं लेने, ही कंसीडर टू बी अ बैड, ही इज नॉट गोइंग टू रिटर्न अवर मनी, तो अब इसका अकाउंट का बैलेंस ओपन करने रखने की, इसका अकाउंट ओपन रखने की जरूरत है ही नहीं, नाउ ही इज नॉट नो लॉन्गर एन एसेट, ही बिकम अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हुए हैं, एक्सपेंस हम ऑलरेडी काट चुके हुए हैं। अब वो जो उसके अगेंस्ट अलाउंसेस थे उसमें इस अमाउंट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो टू राइट ऑफ, इसके जो हम लिखेंगे टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम
अकाउंट रिसीवेबल ऑफ डिस्काउंट स्टोर। ठीक है, ये हमारी जो है क्या पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये दिस विल बी अवर एंट्री। अब अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स के हमारे हो गए, जो अलाउंस हमने क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, और हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है जो एक्चुअल में अब हमारा बैड डेट बन गया था डिस्काउंट स्टोर, उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया अपने अलाउंसेस में। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में, अगर हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं बिफोर राइट ऑफ और आफ्टर राइट ऑफ बैलेंस शीट को देख लेते हैं। अब बिफोर, जब ये राइट ऑफ होने से पहले बैलेंस शीट को देखते हैं, बिफोर राइट ऑफ आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड पे क्या थे आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल थे, ठीक है, और वो अकाउंट रिसीवेबल थे जी 2,50,000 के। ठीक है, उसमें से लेस किया था हमने अलाउंसेस, फॉर डाउटफुल अकाउंट हो गया 10,000। नेट रियलाइज वैल्यू क्या आई, 2,40,000। आफ्टर द एडजस्टमेंट, आफ्टर राइट ऑफ, जब हमने बैलेंस शीट बनाई ठीक है, उसमें अगेन वी टुक द एसेट साइड, और यहां पर हमने देखा जी अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि अब एडजस्टमेंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल जो है यहां पे क्या हुए थे, कम हुए थे आफ्टर राइट ऑफ। अकाउंट रिसीवेबल कितने से कम हुए थे, 4,000 से। अब अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 नहीं है, दे आर 2,46,000। ठीक है, अब ये अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई है, कितने से, $4,000 से कमी आ गई। इसमें से लेस किया हमने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और वो हमारे पास जो अमाउंट आई दैट इज योर 10,000 थी राइट ऑफ से पहले, अब 4,000 क्या हो गई आपकी, एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो 10,000 में से 4,000 आपके क्या हो गए, माइनस हो गए। आपके पास जो बाकी बचा वो बचा 6,000। ठीक है, 6,000 इसमें से माइनस किया हमने, लेस किया, हमारे पास जो नेट रियलाइज अमाउंट बची That is none other than 2,40,000. तो allowance create करने का ये फायदा हुआ, net realized value is the same as before. जब तक ये allowances हैं तब तक ये value जो है that would be the same. और allowances की वजह से आपके, क्योंकि हमें पहले ही अंदाजा था कि हमारे 2,50,000 में से 10,000 के जो amount है वो bad debt हो जानी है, और जब 4,000 हमारा बैड डेट हो गया तो वो हमारा किस में उसका प्रेशर आया, अलाउंसेस के ऊपर प्रेशर आया, और वो हमारा जो नेट रियलाइज वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल की वो 2,40,000 ही रही आपके पास। ठीक है, सो दिस इज द हाउ यू आर गोइंग टू डू द अकाउंट रिसीवेबल। आज हमने जो है वो
अकाउंट रिसीवेबल के बारे में बात की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एसेट इसके अंदर जो हमने डिस्कशन की है मेनली दैट इज द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स क्या होते हैं? जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो आपके अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स जो हैं वो अगर कैश में कन्वर्ट ना हो, अकाउंट रिसीवेबल अगर आपका एसेट कैश में कन्वर्ट ना हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका अनकलेक्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। और अनकलेक्टेबल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्सपेंस बन जाता है आपका, और अनकलेक्टेबल आपका एज एन एक्सपेंस डील होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब क्रेडिट सेल होती हैं, आप अपनी क्रेडिट सेल जो है फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आप देखते हो हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई हैं। अकाउंटिंग मैनेजर अंदाज़ा लगाता है, एस्टिमेट लगाता है कि चूंकि मैचिंग प्रिंसिपल करना होता है, जिस पीरियड के रेवेन्यू होते हैं उस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ उसको मैच, क्योंकि एक्सपेंसेस उस पीरियड के एक्सपेंसेस ने उस रेवेन्यूज को क्रिएट किया होता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच टुगेदर। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो अगर बैड होनी है तो वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में होनी है, और वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बननी है, तो और अगले अकाउंटिंग पीरियड की सेल या रेवेन्यू के ऊपर प्रेशर आना है पिछले अकाउंटिंग पीरियड का, जो कि आपके लिए एक अकाउंटिंग टर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो क्या करता है अकाउंट मैनेजर, क्या करता है, अंदाज़ा लगाता है कि हमारे क्रेडिट सेल्स इतनी हुई हैं, इसमें से इतना परसेंट जो है, इतने अमाउंट जो है वो हमें रिसीव नहीं होगी अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू द वेरी गुड कैलकुलेशंस। और ये हम लोग आगे करेंगे भी कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, सो वो अंदाज़ा लगाता है इसके ऊपर, और उसके ऊपर वो एक एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किया कि फेमस टॉयज कंपनी जो है उसका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 250,000 है, और अकाउंट मैनेजर कहता है कि इसमें से 10,000 जो है वो हमें रिसीव नहीं होगा, तो वो 10,000 पहले ही एक्सपेंस अपना काट लेता है 250,000 में से, जनवरी के अकाउंटिंग अकाउंट रिसीवेबल के अंदर से वो 10,000 को एज एक्सपेंस ट्रीट कर लेता है, ताकि वो जनवरी के रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है उस एक्सपेंस की वो शो कर सके। तो क्या होता है, एंट्री वो पास कर लेता है, क्या करता है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस 10,000 से डेबिट कर देता है, और क्रेडिट कर देता है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट 10,000 से उसको क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। ये अलाउंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक अलाउंस क्रिएट कर लिया गया। अब फ्यूचर में जब भी आपका बैड डेट होगा जनवरी की क्रेडिट सेल्स में से, तो वो इस अलाउंसेस में से उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, एक अलाउंस बना दिया उसमें से, जब भी आपका जो है वो बैड डेट्स होंगे, जब भी आपके जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स क्रिएट होंगे, वो अलाउंसेस में क्या कर दिए जाएंगे, एडजस्ट कर दिए जाएंगे। बहरहाल अनएडजस्ट अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस क्रिएट कर लिया, उसको लॉस के तौर पर जनरेट कर लिया, उसको इनकम समरी अकाउंट में जाकर क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बना, और ये बैलेंस शीट में जाके आपके एसेट में से क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया, एसेट को उसने रिड्यूस कर दिया, और कौन से एसेट को रिड्यूस किया, अकाउंट रिसीवेबल को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, जब आपके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल, आपने अगर एडजस्टमेंट करनी है हर साल, आपने दो चीज़ें याद कर रखनी है कि दो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं एडजस्टमेंट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अमाउंट के अंदर एडजस्टमेंट, दो फैक्टर्स लेकर आते हैं, एक तो हर अकाउंटिंग पीरियड का एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट वो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट की एडजस्टमेंट करता है, दूसरा जो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस बाकी रह जाता है सारे अनकलेक्टेबल्स को माइनस करने के बाद, एक्चुअल जो है आपके पास अनकलेक्टेबल को जब माइनस करने के बाद जो बैलेंस रह जाता है वो बैलेंस डिटरमिन करता है कि कितनी एडजस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है डाउटफुल अकाउंट्स के अंदर, दो फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब दोबारा से आते हैं, पहला एग्जांपल मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर मैंने कहा कि जी जो आपके जनवरी की क्रेडिट सेल्स हैं उसके ऊपर अकाउंट मैनेजर ने कहा कि 250,000 में से $10,000 जो है वो आपके अनकलेक्टेबल हो जाएंगे, तो उसने उसी टाइम पे एंट्री कर ली अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट 10,000 से, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपका क्या हो गया, क्रेडिट 10,000 से। February 4 को उसको पता लगता है कि हमारा एक कस्टमर है डिस्काउंट स्टोर जो डिफॉल्ट कर गया, जो आउट ऑफ बिजनेस चला गया, और उससे हमने 4,000 रिसीव करने थे। फेमस टॉयज का जो अकाउंट मैनेजर है उसने देखा कि 4,000 तो इससे हमने रिसीव करने थे, इसकी तरफ अकाउंट रिसीवेबल है हमारे, हमारा एक एसेट जनरेट हुआ है डिस्काउंट स्टोर का,
अब वो चूंकि वो आउट ऑफ बिजनेस चला गया, अब उसने पैसे आपके देने नहीं, 4,000 आपको रिसीव नहीं होना, तो वो क्या हो गया, वो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्चुअल में साबित हो गया। नाउ दिस इज द एक्चुअल अनकलेक्टेबल अकाउंट जो हमें डिस्काउंट स्टोर से हमें नहीं मिलना। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जनवरी में अनकलेक्टेबल अकाउंट का एक एस्टिमेट को डेबिट कर चुके हैं। हम इसको जो अलाउंस हमने क्रिएट किया था उस अलाउंस में इसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे जब हमारी डेबिट एंट्री होगी तो वो डेबिट एंट्री क्या होगी, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, जो डाउटफुल डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अकाउंट्स भी कह सकते हैं, डेट्स भी कहते हैं, वरल कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो हम लोग इसको जो है वो अकाउंट ही रखते हैं। ठीक है, इसको क्या रखते हैं, हम लोग अकाउंट ही रखेंगे। ठीक है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारे 4,000 से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जो एक्चुअल में हमारे अनकलेक्टेबल है अकाउंट रिसीवेबल, उतने से हमारा कम हो जाएगा, दैट इज $4,000 से हमारा वो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो गया। हमने राइट ऑफ कर दिए डिस्काउंट स्टोर के अकाउंट रिसीवेबल, हमने उसका अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ओपन नहीं रखना, हम उसे क्लोज कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल उसका डेबिट था 4,000 के बैलेंस से, हमने उसे क्लोज कर दिया, 4,000 से हमारा वो क्रेडिट हो गया और हमारा उसकी तरफ से पैसा सारा खत्म हो गया। अब हमने उससे कोई पैसा रिसीव नहीं करना, जो पैसा हमने उसे रिसीव करना था वो हमारा एक्सपेंस हो गया और वो अलाउंसेस में जाके हमने उसे क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट तब खत्म होता है जब वो कैश में कन्वर्ट हो, जब वो जो बंदा है या ये जो डिस्काउंट स्टोर है हमें पैसे वापस करता, तब हम कैश अकाउंट डेबिट करते और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते। लेकिन अब उसने हमारे पैसे वापस नहीं किए, वो बैड डेट हो गया है, वो बैड अकाउंट हो गया है, वो अनकलेक्टेबल अकाउंट हो गया, तो वो हम यहाँ पर भी अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे लेकिन डेबिट हम कैश नहीं करेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप बैलेंस शीट में बिफोर राइट ऑफ एंड आफ्टर राइट ऑफ इफेक्ट देखें तो नेट रियलाइज वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो अकाउंट रिसीवेबल में आएगा और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर डिफरेंस आएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह इसके अंदर डिफरेंस आएगा, नेट रियलाइज वैल्यू में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका, आपका जो है वो इसी के अंदर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, और यहीं से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के अंदर, मजीद इसके अंदर तीन चार चीजें हम लोग मजीद इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। थैंक यू वेरी मच, फी मान अल्लाह।